Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आज घर पे कोई नहीं है, it's just me and there is another carpenter भैया जो मेरे रूम का कबर्ड बना रहे हैं. So आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके पेरेंट्स, obviously हुआ होगा सबके साथ यार, पेरेंट्स इतनी टॉर्चर करते हैं. आई नो इट्स नॉट ए टॉर्चर, ये हमारे अच्छे के लिए, बट स्टिल यार इतने टॉर्चर करते कि फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ. एंड आई विल शो यू माई फ्रिज हियर. वन लुक एट माई फ्रिज हियर, कुछ और रखने का जगह ही नहीं है. फ्रूट्स ही फ्रूट्स, इतने सारे एप्पल, मैंगो है, व्हाट एल्स आई हैव, गुआवा है, बनाना है, देन अगेन बनाना, पाइनएप्पल, लेमन, और क्या है अंदर भी कुछ है. ओ यहाँ पे अगेन मैंगो, इतने सारे वेजीज, ओ यहाँ पे अगेन डेट्स. कुछ और रखने का जगह ही नहीं है मेरे फ्रिज में. जब भी आप खोलोगे मेरा फ्रिज, हमेशा मैंने इतने सारे एप्पल्स देखे फ्रिज में, इसलिए मुझे कुछ अनहेल्दी बनाना है जो टेस्टी भी हो और ये सारे एप्पल्स ख़त्म हो जाए. इसीलिए मैं आज बनाने वाली हूँ एप्पल का हलवा. ओके, सो द इंग्रेडिएंट्स विच वी नीड इज एप्पल, ढेर सारा है, और मेरे पास है कुछ आमंड्स, कैश्यू नट, मेरे पास थोड़े से सिनेमन बाकी है, और चीनी एंड घी. वी विल टेक लाइक 4-6 ले लेते हैं. तो अब हम इस एप्पल को करेंगे कद्दूकस, मतलब ग्रेट करेंगे. ग्रेटर कहाँ रखते हैं? मेरे पास छोटा वाला ग्रेटर, ये बड़ा ग्रेटर भी रहता है, पता नहीं कहाँ पे. तो ठीक है, जो है हमारे पास उसे. सो पहले नाइफ कहाँ है? कुछ नहीं आता इस लड़के को, कुछ नहीं. अभी मेरा हाथ कट गया है यहाँ पे. तो वीडियो में तो कहा था कि ऐसा ब्लैक होने से पहले डाल देना है, बट मेरे एप्पल तो आधे से ज्यादा ब्लैक हो ही चुके हैं अभी से. ठीक है यार, ये हमारा पूजा घर. भगवान जी माफ कर दो, आपका थोड़ा सा प्रसाद चाहिए मुझे. यहाँ पे कहीं तो होगा किशमिश. ओह दिस लुक्स लाइक किशमिश. भगवान का ही किशमिश ले लेते हैं, काफ़ी है ना इतना. आई डोंट नो, मुझे एक्चुअली मेजरमेंट का नहीं पता कितना क्या डालूँ, सो आई थिंक इतना काफ़ी है, या और थोड़ा सा लो, शायद काफ़ी है. घी वीडियो में लिखा था 2 स्पून, तो क्योंकि 2 स्पून कहा था तो हम एंड वी विल ऑल्सो पुट सम किशमिश जो भगवान के वहां से चुरा के लेके आए थे. लो फ्लेम में रखा है मैंने, क्योंकि मुझे डर है कहीं वो जल ना जाए. इसके साथ साथ वी विल ऑल्सो पुट सम आमंड्स. ना इसको लाइट ब्राउन होने तक इसे कुक करते रहना है. लगता है घी कम हो गया, तो मम्मा से फोन करके पूछते हैं घी कहाँ पे है, घी अगर है कि नहीं घर पे दूसरा. हेलो, हाँ माँ, घी है क्या घर पे? नहीं, वो छोटा बॉटल नहीं. कहाँ पे? राइस कुकर के नीचे. कहाँ पे? ओ मिल गया मिल गया मिल गया. ओके ठीक है. ताला, हर चीज का सोल्यूशन माँ के पास होता है. वैसे उस वीडियो में तो बोला नहीं है ऐसा डालते ऊपर से, बट मैं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है घी बहुत कम हो गया है हलवा तो, क्योंकि जितना मैंने आज तक देखा घी में डुबो डुबो के बनाते हैं. आई नो ये बहुत कम हो गया है ना, बहुत ही ज्यादा कम हो गया.
आपको हिम्मत नहीं है फिर से दूसरे कढ़ाई पे इसको ये फिर से रोस्ट करो, मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसे ही डालने वाली हूँ। ये कप लिया, इसका 1/4। हम इसको ये शुगर डिसॉल्व करने तक फ्राई करते रहना है, रोस्ट करते रहना है। चीनी के साथ सही आया कि नहीं? Oh my God, I can't believe it's very tasty. Of course, apple का smell है and apple वाला taste आ रहा है, but क्योंकि घी में roast हो गया तो वो ना हलवा वाला वो taste आ रहा है, बहुत अच्छा। अब मुझे लग रहा है कि घी थोड़ा कम हो गया और मुझे और थोड़ा डालना चाहिए लग रहा है। मैं उन्होंने वेनिला एक्सट्रैक्ट भी डाला है जो मेरे पास नहीं है। 1/4 spoon ऑफ सिनेमन पाउडर डाला है, तो ये 1/4 होगा क्या? मैं थोड़ा मेजरमेंट कर लूँ। ठीक है, एग्जैक्टली 1/4 है। एंड लेट मी नो गाइस, हलवा आपको ओके लेट मी नो गाइस, हलवा आपको ठंडा खाना पसंद है कि गर्म खाना पसंद है? क्योंकि मैं तो ठंडा ठंडा हलवा खाना पसंद करती हूँ। लाइक हलवा बनाने के बाद ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ, फिर नेक्स्ट डे को मैं खाती हूँ जो ठंडा हो जाता है, मुझे वो बहुत पसंद है। लेकिन पता नहीं कि मुझे अभी भी लग रहा है कि घी बहुत कम हो गया, थोड़ा और घी डालने की ज़रूरत है लग रहा है। तो शुगर डन, एक्चुअली मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा मीठा भी हो गया, बट मे बी लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए ठीक लगेगा, क्योंकि मैं मीठा कम खाती हूँ, मिर्ची कम खाती हूँ, नमक कम खाती हूँ, सब कुछ कम कम खाती हूँ। वो क्या हुआ था ना, जब मैं 2 साल पहले वेट रिड्यूस कर रही थी, तब से मतलब खाने में बहुत सारे चेंजेस मैंने करवाए थे उस वक्त। तो ठीक है, फिर भी तला हुआ चीज़ तो मैं सब खाती हूँ, बट अब ना पता नहीं मेरा टंग का वो टेस्ट बड ऐसा हो गया है कि मैं ज़्यादा कुछ भी खा नहीं पाती, मतलब ज़्यादा नमक, ज़्यादा मिर्ची, ज़्यादा शुगर में खा नहीं पाती। यहाँ मुझे लग रहा है कि मेरा नट्स थोड़ा कम हो गया है जी, नहीं तो मैं ऐसे कच्चा वाला ही डालने वाली हूँ, मुझे रोस्ट नहीं करना, तो मैं ऐसे ही डाल दूंगी। तो चलो इस बार हम पापा से टेस्ट करवाते हैं। मेरे हलवा बनने तक तो घर के बाकी लोग भी आ गए, मैंने इतना टाइम लगाया। ओ, हलवा बनाते बनाते चेहरे का भी हलवा हो गया। सो लेट्स गो टेक इट टू डैड। हाँ, लो रिएक्शन वीडियो लेंगे, खा के बताओ कैसा है। थोड़ा टेस्ट कर गया, अच्छा है ना, खराब है? बहुत गर्म है पापा, थोड़ा सा ही लेना, बहुत ज़्यादा गर्म है। कैसा है पापा? टेस्टी है, अच्छा है। कुछ खराबी है? मीठा ठीक है? आई हैव ए स्मॉल फैन हियर, तो मैं उसको भी खिलाती हूँ। 1 second, कम हियर, यहाँ पे आओ। याना मैंने कुछ बनाया है, मैं तुम्हें खिलाऊंगी, ठीक है? ईट एंड लेट मी नो हाउ इज इट। दिस इज हलवा। वेट वेट वेट, हाउ इज इट याना? टेस्टी टेस्टी है, मीठा है, अच्छा है। हाँ, और खाओगी? ला दूँ थोड़ा सा? ठीक है, चलो मैं अभी लेके आती हूँ, ठीक है? वेट करो 2 मिनट। ओके, तुम वीडियो में आ रही हो, हाय बोल दो। हाय गाइस। क्या क्या है इसमें, क्या क्या खाया आज? आज मोमो खाया और रोटी खाया और चटनी खाया और ये खाया। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्न? कॉर्न खाया। और निमकी खाया। हाँ, वीडियो में आना अच्छा लगता है तुम्हें? अच्छा लगता है। सो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट भी नहीं, कमेंट भी करना पड़ेगा, नहीं तो और वीडियो नहीं बनेगा। ओ, और शेयर नहीं करेगा क्या? शेयर भी करना पड़ेगा। लाइक शेयर।